ही अपने आप नूं एक आम इंसान कहलाण वाले गरीब परिवार तों आण वाले मुख्यमंत्री दे एक रिश्तेदार दे घर तों रेड चे एक दिन चे 11 करोड़ रुपए सोना लखां दी घड़ी तकरीबन 52-56 करोड़ दे कागज प्रॉपर्टी दे ते की कुछ नहीं बरामद होया। चन्नी साहब दे भतीजे हनी चनी हनी मनी एक बहुत चर्चा अज च हुई है ते अज दी अखबार च बहुत तुसी सारिया ने पढ़िया होगा कि किवें आही सीएम साहब दे भतीजे दी जिहड़ी फर्म सीगी उन्होंने 2019-20 विच जेरा उस फर्म चे प्रॉफिट होंदे सीगे वो मसा 18 लाख रुपए की प्रॉफिट सी। हुण 2020 तो लैके 2021 चे एक साल चे जब मुख्यमंत्री बनते ने ते फिर किन्ना उस फर्म का प्रॉफिट की 11 करोड़ रुपए सोना घड़िया किन्ने 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टिया के कागज इस बंदे दे घरों फड़िया जांदियां ने ते ए कांग्रेस पार्टी किन्नी भ्रष्ट ते मुख्यमंत्री किन्ना भ्रष्ट। जे एक रिश्तेदार दे कोल इन्ने पैसे फड़े गए ने तो किन्ने इहदे रिश्तेदार ने ते उहनां दे कोल किन्ने 111 दिनां च शायद 1100 करोड़ रुपए चन्नी साहब ने कट्ठे शायद कर लिते होणगे जे इस हिसाब नाल आपां चलीए। लेकिन इस तों भी वड्डी गल एक होर खबर आ जाई है जिहड़ी 20 दिनां वास्ते सिद्धू साहब दे कहे चे चट्टोपाध्याय 20 दिनां वास्ते एक डीजीपी बनाया गया ते उस डीजीपी दे 20 दिनां दे अंदर जिथे दरबार साहब सचखंड दे उत्ते इन्नी घलौनी हरकत शायद इंदिरा गांधी दे अटैक दे बाद दूजी वारी ये चन्नी सिद्धू दे राज विच इस तरह की हरकत सचखंड दरबार साहब च हुई। लेकिन ओदा लभना की सी उस बंदे दा संस्कार करके सारे सबूत मिटाते ओदे कुछ दिन बाद एक वड्डा बॉम्ब ब्लास्ट होंदा है लुधियाने च ओदे भी कोई पता नहीं लग्या भी की होया किने कीता की नहीं कीता ते ओदे बाद फिर प्रधानमंत्री दे इत्थे आण च भी जिहड़ा कुछ इन्हां दोनां पार्टियां ने कीता वह सब अपने सारिया के सामने हैगा 20 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन आ खबर बहुत जरूरी इस करके क्यों हैगी क्योंकि एक खुलासा होया हैगा जी किसी ने रिकॉर्डिंग दिती हैगी कि नशिया के केस च एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बंदा किवें ये चट्टोपाध्याय नूं लेट रात नूं ये मिलते ने ते आपस च इन्हां दी चर्चा सारी रिकॉर्डिंग हैगी जिथे नशे बेचे जाते ने ओनू एनसीबी का ऑफिशियल नारकोटिक्स ब्यूरो का एक पुलिस का बन के वह नशे पुलिस राही फड़े जाते ने ते फिर 15-16 करोड़ के बाजार च बेचे जाते ने ते 4-5 करोड़ पुलिस दे विच ए सारे ए वंडे भी जाते ने सारे चट्टोपाध्याय की निगरानी दे विच ओदे हेठ ओदे तालमेल एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर दे नाल जेड़ा नशे वास्ते फड़ा भजया होया बंदा है वह चट्टोपाध्याय डीजीपी नूं मिलदा है। हुण एक पासे नशे की गल करन वाले एहो जे अफसर बनांदे ने जिन्हां दे सिद्धे लिंक्स टेररिस्ट आतंकवादियों दे नाल नशे बेचण वालियां दे नाल रिकॉर्डिंग चर्चा पूरी होंदी कि किवें नशे बाजार च आंदे ने पुलिस दा पहनावा करके फड़े जांदे ने ते फिर बाजार च बेचे जांदे ने ते एक पासे आ एक पासे कांग्रेस दा खहरा जिहड़ा जेल विच है ईडी ने जिहड़े उहदे खिलाफ सबूत बरामद कीते ने एक उहनां दा सिद्धू साहब दा ते चन्नी मुख्यमंत्री दा डीजीपी एक खुलासा मैं लोगों को कहती जरूर तुसी इहदे बारे पढ़ो इस अखबार की इस कटिंग च ते ओ सारे पैसे पावे रेते दे होन पावे नशे दे होन इना दे अफसर इना दे रिश्तेदार ये सब की कर रहे ने ते अज ए लोकी शरेआम बाहर घूम रहे ने चाहे सीएम साहब होन या उहनां दा भ्रष्ट रिश्तेदार हो जिन्हां दे करोड़ा बरामद होए अज बिना किसे केस दे बिना किसे एफआईआर दे बिना जेलां दे शरेआम फिर रहे ने जद इन्ना कुछ बरामद हो गया आ डीजीपी जिदे ए सारी प्रूफ हैगी ए शरेआम फिर रहा हैगा। लेकिन जेड़े विरोधी ने जिन्हां दे उत्ते झूठे परचे किते जा रहे ने जिन्हां दे तां जी बदलाखोरी करनी है सियासी अपने विरोधियों के खिलाफ ते फिर तां 3-3 साल पुराने केस जेड़े बंद होए पए ने जिन्हां दे खिलाफ एक डक्का सबूत नहीं है जिन्हां दे खिलाफ एक डक्का पैसा नहीं जिन्हां दे खिलाफ एक कोई कंप्लेंट किते नहीं सारा केस 3 साल पहले बंद हो गया है
ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਚੰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆਪਣੇ ਚਹਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਖਨਨ ਖਾ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਹਿਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਬ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।